जय श्री गणेशाय नमः। हड़तालिका तीज व्रत की कथा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे महेश्वर, मेरा बड़ा सौभाग्य है। मैंने ऐसी कौन सी तपस्या की, ऐसा कौन सा पुण्य अर्जित किया जिसके कारण मैंने तीनों लोकों के स्वामी आपको पाया। माता पार्वती की प्रार्थना सुनकर शिवजी बोले, पार्वती, तुमने अति उत्तम पुण्य की प्राप्ति की थी, जिसके कारण तुमको मेरी प्राप्ति हुई है। वह अति गुप्त व्रत है। सुनो, वह यह है कि भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हड़तालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है जैसे तारों गणों में चंद्रमा, नव ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, ऐसा यह अति उत्तम व्रत है। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, तीनों लोकों के स्वामी, मैंने कब और कैसे यह तीज का व्रत किया था, विस्तार से बताने की कृपा करें। यह सुनकर शिवजी बोले, देवी सुनो, भारतवर्ष में उत्तर में श्रेष्ठ हिमालय पर्वत है। वहाँ के राजा का नाम हिमाचल था। वहाँ तुम रानी मीना से पैदा हुई। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना प्रारंभ कर दी। उम्र बढ़ने के बाद हिमालय की गुफाओं में जाकर सहेली के साथ मुझे पाने के लिए तपस्या आरंभ की। तुमने चट्टानों पे आसन लगाकर तप किया, वर्षा में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरा ध्यान करती रही। इसके बाद भी जब मेरे दर्शन नहीं हुए तो तुमने नीचे मुख कर सिर्फ वायु का सेवन किया, फिर सूखे पत्तों का सेवन किया, शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में तुम्हें लीन देखकर महाराजा हिमाचल को तुम्हारी चिंता हुई, तुम्हारे विवाह के विषय में सोचने लगे। उसी समय नारद जी वहाँ उपस्थित हुए। राजा ने नारद जी का स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा, तो नारद जी बोले, आप इस कन्या को उत्तम पुरुष को देना, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। राजा, क्या तुम्हें यह स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि भगवान विष्णु ने मेरी कन्या को स्वीकार किया है। मैं अपनी कन्या उमा को उन्हें अवश्य दान करूँगा। राजा के यह वचन सुनकर नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं, विवाह का कार्य निश्चित हो गया है। और इधर राजा हिमाचल वन में जाकर पार्वती को भगवान विष्णु के साथ विवाह तय होने का समाचार सुनाते हैं। यह सुनते ही पार्वती, तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम्हारा दुख देखकर तुम्हारी सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी तुम्हें मैं ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलती हूँ जहाँ राजा हिमाचल कभी पहुँच नहीं सकेंगे। और तुम्हारी सहेली तुम्हें लेकर हिमालय की गुफाओं में विलीन हो गई। तब राजा हिमाचल घबराकर तुम्हें ढूंढने लगे, यह चिंता करने लगे कि मैंने जो वचन दिया है वह कैसे पूर्ण होगा। यह सोचते हुए वह मूर्छित हो गए। तब सभी सेवकों को साथ लेकर ढूंढने पर महाराज ने ऐसी चिंता की कि मेरी कन्या का कोई बाघ तो नहीं खा गया, या कोई सर्प ने तो नहीं डस लिया, या किसी राक्षस ने हर तो नहीं लिया। उस समय तुम अपनी सखी के साथ गहन गुफा में पहुंचकर बिना अन्न जल के मेरे व्रत को आरंभ कर बालू रेत के शिवलिंग की स्थापना कर पुष्प फलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्रपद मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त मेरी पूजा के फल स्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा। फिर मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुमसे कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारी क्या कामना है। तो तुमने कहा, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे मेरा भाव छुपा नहीं है। मैं आपको पति के रूप में चाहती हूँ और मैंने तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूर्ति का वरदान देकर मैं अंतर्ध्यान हो गया। और इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल तुम्हें ढूंढते हुए नदी के तट पर मूर्छित गिरे पड़े थे। उसी समय तुम सखी के साथ बालू के शिवलिंग का विसर्जन करने नदी के तट पर पहुँची। उसी समय राजा हिमाचल को तुम्हारे दर्शन हुए। तुम्हें देखकर वह तुमसे लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम इस भयंकर वन में कहाँ चली गई थी जहाँ बाघ सर्प जैसे जानलेवा जीव रहते हैं, यहाँ तुम्हारे प्राण संकट में हैं। ऐसे वन को त्याग दो और त्याग कर अपने ग्रह को चलो। तो तुमने कहा, पिताजी, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ तय किया, इसलिए मैं वन में हमेशा के लिए आ गई। तुम्हारी यह बात सुनकर तुम्हारे पिता हिमाचल को दुख हुआ और उन्होंने तुमसे कहा, पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ नहीं करूँगा। उसके बाद तुम अपनी सखी के साथ अपने नगर आकर अपनी माता और अपनी सहेलियों से मिली।
और फिर राजा हिमाचल और तुम्हारी माता मीना ने शुभ मुहूर्त में विधिपूर्वक तुम्हारा विवाह मुझसे कराया। जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में मेरी तीज का व्रत किया, इसके कारण इस व्रत का नाम हड़तालिका पड़ा। तब माता पार्वती बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत का वर्णन किया, अब इसकी विधि सुनाइए और इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है, यह व्रत किसे करना चाहिए। तो भोलेनाथ बोले, देवी, इस व्रत की विधि एवं फल बता रहा हूँ, सुनो। इस व्रत को सौभाग्यशाली नारी एवं अच्छे पति को चाहने वाली कन्याओं को यह व्रत करना चाहिए। यह भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला होकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर स्थापित कर केले पुष्प आदि के खम्भे स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति गान, वाघ भैरवी, शंख, मृदंग आदि से जागरण करें और भगवान भोलेनाथ का पूजन करने के बाद फल, फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान के अलग अलग भोग सामग्री समर्पण करें। फिर ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धा से करें। भगवान शिव की प्रिय वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से नमः शिवाय कहकर भेंट करें। प्रार्थना में अपनी इच्छा कामना भगवान से कहे और प्रार्थना के बाद भगवान को पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग का नदी या तालाब में विसर्जन करें। ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा देवे। इस प्रकार व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है, पुत्र, पौत्र एवं धन की प्राप्ति कर सुखी जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं के यह व्रत करने से धनवान एवं विद्वान वर को प्राप्त कर सौभाग्यवती होती हैं। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती है, वह सुकरी का जन्म पाती है। जो फल खाती है, वह बंदरिया की योनि को प्राप्त करती है। जो जल पीती है, वह जोग का जन्म लेती है। जो दूध पीती है, वह सर्पणी का जन्म ग्रहण करती है। जो मांस खाती है, वह भागनी होती है। जो दही खाती है, वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है, वह चींटी के जन्म को धारण करती है। जो सब चीज़ें खाती है, वह मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सोती है, वह अजगरनी की योनि को प्राप्त करती है। हे उमा, इस व्रत को जो श्रद्धा विधि से करेगा, उसे मेरे समान ही पति मिलेगा। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान रूपवान होकर इस संसार में उत्तम से उत्तम सुख के भोग की प्राप्ति करेगी। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक से करने वाली स्त्री सभी पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त कर लेती है। और ये कथा यहाँ समाप्त होती है। भक्तजनों, सभी लोग अपने हाथ उठाकर बोलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भक्तजनों, आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस कथा का लाभ उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और ऐसे ही धार्मिक एवं सामाजिक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल देश धर्म समाज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।